नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में सरेआम गुंडागर्दी के खिलाफ व्यापारियों ने जताया आक्रोश। पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने लगाया हिसारिया बाजार में जाम। बाजार बंद कर जताया विरोध। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। सिरसा के हिसारिया बाजार में जब उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब 15 से 20 लोग हाथों में डंडे तलवारें लेकर के बाजार में घुस आए और तोड़फोड़ करने लगे। गुंडा तत्वों ने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा था तथा हथियारों के साथ में वे सामने जो भी चीज उनके साथ आ रही थी उसे वे तोड़ते चले गए। इस घटनाक्रम में बाजार में एक खड़ी गाड़ी के शीशा भी चकनाचूर कर दिए। वहीं 2 या 3 अन्य वाहनों को भी क्षति पहुंची है। ये सारी घटना एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके CCTV कैमरे के आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दुकानों में दिन दहाड़े हुए इस सारे घटनाक्रम के रोष में उन्होंने बाजार बंद कर दुकानें बंद कर रोड पर जाम लगा दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि मामला मामूली सी घटना को लेकर के शुरू हुआ, जिसे बताया जा रहा है कि देर रात तक कुछ लोग बाजार में एक ढाबे में खाना खाने के दौरान झगड़ पड़े थे और आज सुबह उन्होंने 15 से 20 लोगों के साथ मिलकर के बाजार में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। वही व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हीरा लाल ने कहा है कि सारे घटनाक्रम से दुकानों में रोष है, दुकानदारों के अंदर रोष है और यदि जल्द से जल्द पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती, आरोपियों को काबू नहीं करती है तो वे बाजार को बंद करने को मजबूर होंगे। वहीं कार मालिक हर्षदीप ने बताया कि वो गाड़ी लेकर के सुबह दुकान पर आया था और जैसे ही वो गाड़ी खड़ी करके दुकान में गया तो पीछे से 15 से 20 लोगों के जिनके चेहरे ढके हुए थे वे आए और लाठी हाथों में डंडे लिए हुए थे, तलवारें हाथ में उनके थी और हथियार थे। उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी जिसके बाद में उसकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और कई वाहनों को भी और अन्य जो वाहन वहाँ खड़े थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। हर्षदीप ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी या लड़ाई नहीं है, लेकिन वहीं उन्होंने आरोप भी लगाया कि जल्द से जल्द अगर गिरफ्तार इनको नहीं किया गया है तो आगे की कार्रवाई जी गड्डी में लेके आया करो, गड्डी खड़ाई है। गड्डी खड़ाए बाद कुछ ही मिनट बाद मैं गड्डी अंदर जान लग गया, बाल बाल मैं भी बचेगा। 2 मिनट मैं गड्डी अंदर होर होंगे कि उन्हें मेरे भी नुकसान पहुंचना सी, ये तो वाहेगुरु की कृपा जो मैंने बचा लिया। ठीक है जी, गड्डी रख के मैं अंदर गया दुकान से, गड्डी आंदे नु तो काफ़ी बदमाश है जी, कौन थी कोई कुछ नहीं पता लग्या जी, मुँह सारे लेटे हुए सारे के कोई पता नहीं लग्या। जो मैं गड्डी आया तो देखा जी, जो मैं अंदर भजन लग्या उन्होंने मेरी बाइक दे एक्टिवा दे साड़ी गड्डी के शीशे तोड़ के तो फटाफट निकल दी करी जी, साड़ा नुकसान बहुत ज़्यादा कर दिता उन्होंने, कुछ नहीं पता लगे बदमाशा दस तो यह कहने भी उन्होंने कार्रवाई की जाए जो भी है जी। कोई लड़ाई नहीं साड़ी किसी ना दुश्मनी नहीं जी, दुकान से आने दुकान से जाते जी, सू किसी कोई झगड़ा नहीं जी, किसी नहीं जानते असं जी, असं बिल्कुल किसी नहीं जानते, साड़ी दुकान से आने रोज़ आने रोज़ जाते जी, सू किसी तो की लैना जी। रात को यहाँ जो एक का सुनी बात हुई और कुछ गुंडा तत्व लोग यहाँ आकर के उन्होंने यहाँ दुकान है गोल साहब को उनको पिटा मारा और उससे लोगों में बहुत रोष हुआ। रात की कार्रवाई के लिए तो पुलिस के पास गए लेकिन पुलिस भी सुनाया भी लेट आ रही थी, मैं भी मौके पूछ गया था रात को कार्रवाई के लिए पुलिस को कहा, लेकिन आज सुबह जब दुकानें खुली थी तो वहाँ लोगों ने क्या किया, वे अपने आराम से बैठे थे अरे 15-20 जो है ना मोटरसाइकिलों पर उन पर हथियार उनके हाथ में गंडासी वगैरह लाठी सब थी और वो लोग यहाँ आए और जो गुंडागर्दी की है वो सरेआम, तो पुलिस प्रशासन से मांग है कि उनको तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए, अन्यथा आज तो बंद हम कर ही रहे हैं
अन्यथा हमारा संस्था जो ये बाजार एक बाजार ये भी कल बंद रहेगा।